बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सुपसाना की किचन में स्वागत है आप लोगों का। आज की हमारी रेसिपी है टूटी फ्रूटी, जो कलरफुल हमने देखी है, कितनी अच्छी हेल्दी घर में बनाए हैं, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है, इसको जर्दे में डालिए, केक में डालिए, आइसक्रीम में डालिए, हर चीज़ में इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट भी। और घर में बनाए तो देखो कितनी हेल्दी है ना, ये कलिंगर के छिकल की भी बनती है, ये कच्चे पपीते की हमने बनाए हैं। ये आगे आप लोगों ने देखना इसको हमने किस तरीके से बनाए हैं। कलिंगर के छिकल की जो बनाते हैं वो हेल्दी भी नहीं होती है, उसके अंदर पानी बहुत होता है तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, मगर ये आप एक डेढ़ महीना रख के इसको खा सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमने इसे किस तरीके से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने दो पपीते ले ली हूँ, ये आधा किलो से ज़्यादा है, इसका हम बनाएंगे टूटी फूटी। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे, आप जितना क्वांटिटी में इसको बनाना चाह रहे हैं आप बना लेना, है ना। ये देखो इसको इस तरीके से हमें काटना है, कच्चा है ये पपीता ना, कच्चे पपीते की बनती है टूटी फूटी। ये देखिए इसको हम छील लेंगे इस तरीके से, ऐसे करके कड़क है ना, एकदम कच्चा है तो ये कड़क है। देखो इस तरीके से मैं छील लूँगी और इधर से भी छीलेंगे इसको, ऊपर से भी, नहीं तो ये कड़वा कड़वा सा लगेगा। इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो पूरे पपीते को मैं इसी तरीके से छील के साफ़ कर लेती हूँ पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, पपीते की छिकल हमने निकाल लिए, अब इसको हम सेट में रखेंगे और एक पपीते को हम ले लेंगे, इसको हम कट करेंगे। कट किस तरीके से करेंगे हम, देखो इसको क्यूब्स के टाइप में करेंगे, जैसे होते हैं ना चौकोन, उस तरीके से। पपीता बहुत हार्ड है, कच्चा रहता है ना, तो इसलिए हाथ संभाल के काटना। जितने बड़े साइज में आप रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रख लेना, है ना। टूटी फूटी देखो किस तरीके से होती है ना, तो उस तरीके से हम इसको बीच में से मैं ऐसे करूँगी तो ये बराबर बॉक्स टाइप में कटेगा। अब सभी को मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। देखो सभी पपीते को हमने देखो इस तरीके से कट कर लिए, आप छोटे बड़े साइज अपने ऊपर रख सकते हैं, जितना आपको चाहिए। अब इसको हम पकाने चलते हैं। चलिए पानी को हमने बॉईल होने के लिए रख दिए, पानी इतना रखना जितना पपीता उसमें डूब जाए, तो जब तक का बॉईल नहीं आएगा हम पपीता इसमें नहीं डालेंगे। पानी में बॉईल आ गया है, पपीते को हम इसके अंदर डाल देंगे, हाथ संभाल के डालना। पाँच मिनट के लिए इसको इसमें हम पकने देंगे, पाँच मिनट के बाद हम चेक करेंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से पक गया है, ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया है। अब इसको हम छन्नी में छान लेंगे और ये पानी फेंक देंगे। वही कढ़ाई रख ली हूँ मैंने, अब उसके अंदर हम पाव किलो शक्कर शामिल करेंगे और एक गिलास ही शक्कर हुई नाप से, और एक गिलास में पानी, जितनी शक्कर है उतना पानी। अब इसको भी हम अच्छे से खौला लेंगे जब तक का इसमें बॉइल नहीं आता है, इसमें भी एक बॉइल अच्छे से देना है हमें। शक्कर में अच्छे से बॉईल आ गया है, देखिए गाढ़ी भी हो गई है। तब जो हमने छन्नी में पपीते को छान के रखे थे ना, तब इसको इसमें शामिल कर देंगे हम सब पपीते को, और इसको एक से दो मिनट अच्छे से पकने देंगे हम। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, और जब कलर डालेंगे तो ये और भी अच्छा खूबसूरत लगेगा। कितनी आसानी से टूटी फूटी घर में बन जाती है ना, देखो। तो चलिए एक से दो मिनट और पकने देते हैं इसको शक्कर की चाशनी के साथ में। गैस की फ्लेम को अब बंद कर देंगे, ये भी अच्छे से चाशनी में पक गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। ये वाटी ले ली मैंने, अब इसके अंदर हम एक एक चम्मच पहले सब में डालूंगी मैं, कितना कितना आ रहा है वो देखेंगे, और इसमें हम फूड कलर मिलाएंगे, है ना। बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है ये। इसको ज़्यादा नहीं पका देना शक्कर के साथ में, नहीं तो ये इतना हार्ड हो जाएगा। बस दो से तीन मिनट शक्कर को अच्छे से हमें पकाना है पहले, फिर उसके बाद में इसमें कर लेना इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कटोरी में निकाल लिए
और ये रेड वाला कलर है ना, मैंने डाली हूँ, मैं अब चेक कर रही, इसकी क्लिप आई नहीं है, तो ये भी मैंने ली हूँ। चार वाटी बना था वो, इतना हिसाब से बनाई हूँ मैंने। देखो तो एक रेड हो गया है, ये वाइट ही रखूंगी मैं इसी कलर का ओरिजिनल, और ये ग्रीन करूंगी और ये येलो करूंगी। देख सकते हैं अब ये येलो फूड कलर ले रही हूँ मैं, आपके पास जो है ग्रीन फूड कलर है, ये आपके पास जो फूड कलर है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो ये मैंने ग्रीन वाला डाली हूँ, इसमें ये डालेंगे, और ये है येलो फूड कलर, ये वाला इसमें हम शामिल करेंगे। कितनी सारी भर में बन गई देख सकते हैं ना आप, फ्रेश। उसकी भी बनाते कलिंगर की छिक्कल की, मगर वो अच्छी नहीं रहती है, वो मैंने कभी नहीं बनाई हूँ, वो ज़्यादा दिन टिकती भी नहीं है, 8 से 10 दिन में ही वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो कलिंगर के छिक्कल के अंदर पानी बहुत होता है ना, कलिंगर में तो पानी होता ही है, तो वो पानी से उससे ख़राब हो जाती है। पपीते की लंबी चलती है, तो इसलिए मैं कभी भी पपीते की बनाती हूँ, कच्चे पपीते की इस तरीके से। अब इसको हमें ना 8 से 10 घंटे के लिए इसी पानी में इस तरीके से ढक्के में रख दूंगी। चम्मच सबके अलग अलग ही लेना, देख से कितने अच्छे माशाल्लाह से कलर आए, देखो है ना, घर में हमने बनाए फ्रेश अपने सामने, कौन सा कलर डाले क्या डाले, पपीते का पपीता ही लिए हमने, बाहर मार्केट में पता नहीं काय का बन के आता है ना, मैं कभी भी घर में ही बनाती हूँ, ये जर्दे में डालने के काम आता है, केक में, तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ, फिर इसको फ्रिज में रख लेती हूँ स्टोर करके, तो ये काम आता रहता है। तो चलिए इसको रख देंगे अब हम इसी तरीके से ढक के, सुबह में मैं इसको चेक करेंगे, हम इसको सुबह में 8 से 10 घंटा हम इसी वाटी में इस तरीके से ढक के छोड़ देंगे, बाहर रखना है इसको, फ्रिज में नहीं रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, टूटी फूटी पे कितना अच्छा कलर चढ़ गया है ना, अब इसको हम छान लेंगे छन्नी के अंदर, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना, शक्कर की चाशनी है, वो निकाल लेंगे हम। तो उसके लिए देखो मैंने ऐसी छन्नी ले ली हूँ, और नीचे एक प्याला रखेंगे, और उसके अंदर इस तरीके से हम डाल देंगे। 10 मिनट इसमें मैं रखूँगी मैं ऐसे, जब तक का ये पूरा पानी नीचे से निकल नहीं जाता है। सभी को मैं इसी तरीके से कर लूँगी, देखो छन्नी में अच्छे से हमें डाल लेना है, इसका पानी पूरा निकल जाएगा, फिर हम इसको धूप लगाएंगे। चारों टूटी फूटी को देखो हमने ऐसे छन्नी में फैला लिए चारों को, अब मैं 10 मिनट इसी में रहने दूंगी। 10 मिनट के बाद आप चाहिए तो इसको थाले की हवा के नीचे रख सकते हैं, पंखे के, या धूप आपके यहाँ पे अच्छी आती है तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। मिलते हैं इसको थोड़ी देर के बाद में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको बालकनी में मैंने इस तरीके से धूप लगा ली हूँ, धूप लगा लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा ये बन जाता है, थोड़ा कड़क भी हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है ये, और मॉइस्चर इसका जो है वो ख़त्म हो जाता है धूप से। एक दिन पूरा रखी थी मैंने धूप में इसको, अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं आती है तो आप इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, टूटी फ्रूटी बन के रेडी हो गई है, इसको पूरे 2 दिन लगे सूखने के लिए, आप लोगों ने देखे ना हमने किस तरीके से सुखाया, इसको पंखे में भी सुखाई हूँ और एक दिन मैंने धूप भी लगाई थी इसको, और इसको ना थोड़ा बड़ा बड़ा सा कट करना, तो सूखने के बाद देखो ये थोड़ा छोटा हो जाता है ना, बहुत ही अच्छी बनी है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे, ये एक महीने हमारा आराम से चलेगी। इसका जर्दा बनाइए आप, आइसक्रीम में डालिए, केक में डालिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।